पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद की जिला काउंसिल की मीटिंग अंबेडकर पार्क में हुई। मीटिंग में पुलवामा में की गई जघन्य अपराध की घोर निंदा की गई। पाकिस्तान आतंकवाद के बल पर कब तक अस्तित्व को बनाए रखेगा, और अब वह दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान पूरी तरह अलग अलग पड़ जाएगा। यह विचारणीय है कि चोर के साथ चोर की मौसी को सबक देना जरूरी है। चीन की धोखाबाजी एवं विस्तारवादी नीति दुनिया में समाजवाद को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी है। पाकिस्तान की पीठ पर चीन का हाथ है। प्रयास होने चाहिए कि चीन के हाथ से संयुक्त राष्ट्र की वीटो पावर को छीना जाए। मीटिंग में यह भी निर्णय लिया गया कि सीपीआई के सूबे के सचिव गिरीश शर्मा द्वारा यूपी में विशेषकर मुरादाबाद में सीपीआई को बहुत नुकसान पहुँचाया है, जिला सचिव मुरादाबाद की सदस्यता को मनमाने ढंग से समाप्त करने के कृत्य को सूबे के पार्टी कंट्रोल कमिश्नर द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसके खिलाफ गिरीश द्वारा राष्ट्रीय कमीशन में अपील की गई थी, जिसका निस्तारीकरण एवं सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। मीटिंग में आंदोलन गांधी आश्रम के कर्मचारी के समर्थन में एवं प्रथमा बैंक के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही अमल में लाने के लिए जिला ट्रेड यूनियन काउंसिलिंग के बैनर तले लाने को विवश होगी। मीटिंग का संचालन नेम सिंह ने किया। अजयपाल सिंह यादव, अशोक अग्रवाल, जमाल आलम, जमील अहमद, फरीम शाहिद, विष्णु कैलाश, अभय गुप्ता आदि ने भी संबोधित किया। एक तो मुख्य जो उद्देश्य है इसका, वो पुलवामा की जो आतंकवादी घटना हुई है उसके विरोध में है, और उसमें मुख्य मामला ये है कि हालांकि इसका चारों तरफ विरोध हो रहा है, निंदा हो रही है, हिंदुस्तान में भी एक व्यक्ति की तरीके से पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, लेकिन हमारे इसमें एक संशोधन ये है कि पाकिस्तान की पीठ पर जो चाइना का हाथ है उसके ऊपर भी अंतर्राष्ट्रीय अंकुश लगाया जाना चाहिए। वो वीटो का गलत इस्तेमाल करता है, और अजहर महमूद जैसे आतंकवादी को, जिसको यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करना चाहता है, लेकिन चाइना उसको रोक रहा है। चाइना ने पूरे दुनिया के समाजवादी देशों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। उसकी जो विस्तारवादी नीति है उसके तहत उसने हिंदुस्तान को धोखा देकर 1962 में युद्ध किया, और आज भी वो पाकिस्तान की पीठ पर हाथ रख के अजहर महमूद को, मतलब जो आतंकवादी नेता है, सरगना है, उनको मतलब जो बचाने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना के ऊपर अंकुश लगाने के लिए उसके राजनीतिक संबंधों को तोड़ा जाए, और जो वीटो है उसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर पाबंदी हो। दूसरे, जब स्वदेशी जागरण मंच की बात होती है तो अभी ये जो होली आने वाली है उसमें तमाम पिचकारी वगैरह सब चाइना की इस्तेमाल होती है, इन सब के ऊपर पाबंदी लगना चाहिए। यानी वो बिजनेस में हिंदुस्तान का इस्तेमाल करता है, व्यापार में हिंदुस्तान का इस्तेमाल करता है, काम और लाभ मतलब जो है कमाता है, तो उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। आज हमारे आड़े, पूरे दुनिया के आड़े समाजवादी लड़ाई में जो आड़े आ रहा है वो चाइना है, चाइना के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जो पैसा हमारा हथियारों पर खर्च होता है वो पैसा काश गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर अगर खर्च हो, अशिक्षा पर खर्च हो, तो पाकिस्तान के अंदर भी वही लड़ाई में जो आड़े आ रहा है वो चाइना है, चाइना के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। जो पैसा हमारा हथियारों पर खर्च होता है वो पैसा काश गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर अगर खर्च हो, अशिक्षा पर खर्च हो, तो पाकिस्तान के अंदर भी वही दुर्दशा है जो यहाँ के अंदर है। एक हवाई जहाज को बनाने में इतना खर्च होता है कि जिससे 100 अस्पताल बनाए जा सकते हैं और हजारों लोगों को मतलब इलाज हो सकता है। एक सबमरीन जो समुद्री जहाज है उसके निर्माण में इतना खर्चा होता है कि 100 स्कूल बनाए जा सकते हैं जिसमें 10,000 बच्चे तक मतलब जो उसमें जो पढ़ सकते हैं। ये पैसा मतलब जो, और कोई भी जो न्यूट्रॉन बम है, परमाणु बम है, इसकी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि आज से 31 साल पहले अमेरिका के 14 वैज्ञानिकों ने डिक्लेयर कर दिया है कि जो आदमी इसका इस्तेमाल करेगा, जो देश, वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसके साथ साथ हमने अपनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी लिखा है कि आप वामपंथ का नारा छोड़िएगा, बिल्कुल मतलब जो है अच्छी तरीके से बजाय वामपंथ के आप अगर विपक्ष में कांग्रेस के साथ खड़े हो जाए तो इसको सही लाइन पर विपक्ष में रहना बहुत आवश्यक है। सत्ता पक्ष इतना महत्वपूर्ण नहीं है लोकतंत्र के अंदर, विपक्ष को आप मजबूत करिएगा।